ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, नजर आ रही है स्क्रीन सबको? यस सर। आज का जो हमारा टॉपिक, अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, उसके अंदर ओम्स लॉ देख लिया हमने, ईएमएफ की सेल्स की कॉम्बिनेशन देख ली है हमने, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन देख लिया, ठीक है, सीरीज पैरेलल हमने, यूजेज ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर ने सर्किट देख लिया। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के, प्रैक्टिकल यानी रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज किस किस तरह से होता है, ठीक है। तो जो हमने बेसिस पढ़े थे वो बेसिक्स की एप्लीकेशन है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ तो ली कैसे जनरेट होती है, कैसे मेजर होती है, लेकिन यूज कहाँ होती है वो अब देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला इफेक्ट जो है वो यूजेज या इफेक्ट्स कहेंगे इसको, वो है इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है रियल लाइफ में, डेली लाइफ में। क्यों हीटिंग कहाँ पर? जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली हम बात करते हैं, व्हेन अ करंट इज पास हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन द मेटल एलिमेंट्स। मेटल एलिमेंट्स क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रिक कैटल्स देखी होंगी, स्टोव्स देखे होंगे, आयरन जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं वो देखी है। इन सब के अंदर पर्पस क्या होता है, एक साइड जो है सॉकेट के अंदर लगती है इलेक्ट्रिसिटी की, दूसरी साइड से हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक मेटल का एलिमेंट होता है, निक्रोम वायर्स होते हैं, ठीक है, वो गर्म होते हैं, तो वो गर्म होने के बाद हमें आउटपुट पे हीट मिलती है। तो ये है हीटिंग प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में, ये है एप्लीकेशन फॉर हीटिंग, ठीक है। इफेक्ट्स में सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसमें क्या होता है कि जब करंट पास होता है ना वायर्स के अंदर से, यानी कि मेटल एलिमेंट्स के अंदर से, एक मेटल होता है, मेटल कंडक्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ऐसा मेटल हम यूज करते हैं, निक्रोम वायर की एग्जाम्पल दी, तो वो वायर ऐसा है कि उसको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो तेजी से गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसे हम मेटल एलिमेंट या हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक कैटल्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स एसेट्रा, ठीक है। इस तरह जितनी डिवाइस कन्वर्शन में इसी तरह का हीटिंग मेटल एलिमेंट लगा होगा, उस एलिमेंट को जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे करंट की वजह से, और मूव करने की वजह से उनकी हाई रेजिस्टेंस होगी, तो वो जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे, जब गर्म होंगे तो हीटिंग देंगे। सही है, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल तो नहीं है? क्लियर सर। ओके, दूसरा यूसेज क्या है? दूसरा यूसेज इलेक्ट्रिक लाइटिंग। ये लाइटनिंग नहीं है, थंडरस्टॉर्म वाली नहीं है, लाइटिंग है, यानी कि रोशनी जो हम नॉर्मल डेज में लाइटिंग करते हैं ना, ट्यूबलाइट लगाते हैं, एलईडी बल्ब लगाते हैं, एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिक लाइटिंग यानी लाइटिंग पर्पज के लिए भी यूज किया जाती है इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या काम होता है, कूलिंग के लिए होती है, हीटिंग के लिए होती है, लाइटिंग के लिए होती है, अलग अलग इसके यूजेज होते हैं ना। तो हमारे कोर्स में ये तीन यूजेज पढ़ेंगे, पहला हमने इलेक्ट्रिक हीटिंग पढ़ा, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइटिंग पढ़ रहे हैं। लाइटिंग के अंदर दो तरह की लाइटिंग होती है, सबसे पहली टाइप जो है वो है फिलामेंट लैंप, दूसरी है फ्लोरोसेंट लैंप। इनमें क्या फर्क है, इनमें फर्क ये, फिलामेंट लैंप क्या होता है, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े बल्ब पहले यूज होते थे येलो कलर के, सही है, वो गर्म गर्मी उनमें बहुत होती है, उनमें लाइट से ज्यादा हीट निकलती है, वो फिलामेंट लैंप कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, उसका फिलामेंट होता है, उसका पर्पस क्या होता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो गर्म होने शुरू, और कितना गर्म होता है, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म होता है, उसके ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो उससे ऊपर वो मेल्ट हो जाता है, तो वो फिर खत्म हो जाता है। तो हमारा लिमिट ऐसी होती है कि ऐसा करंट दे कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाके गर्म हो, तो वो एक बेसिकली लाइटिंग पर्पज है, वो इतना गर्म होता है कि उसमें से फिर कलर्स इमिट होते हैं। हमने अगर कभी पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में कि जब ऑब्जेक्ट्स को हीट किया जाता है तो वो जो है गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद उनमें कलर्स के चेंजेस आते हैं, सबसे पहले वो जो है वो रेड हॉट होते हैं, फिर वो ब्लू हॉट होते हैं, फिर वो व्हाइट हॉट होते हैं लास्ट में जाके, ठीक है। तो इसलिए वो लाइट गर्मी की वजह से हीटिंग, इसमें भी हीटिंग हो रही है, हीटिंग की वजह से लाइटिंग भी हो रही है। तो द लाइटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ लैंप, दैट इज फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप में क्या होता है, करंट फ्लोस थ्रू द फिलामेंट, द फिलामेंट बिकम व्हाइट हॉट। व्हाइट हॉट तीसरी स्टेज ऑफ हॉटनेस की होती है, किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं लाल हो जाती है ना, तो पहला रेड हॉट होता है, फिर होता है ब्लू हॉट, उससे ज्यादा हॉट हो जाता है तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके, फिर उसके बाद जो है 3000-3500 पे जाके हो जाता है व्हाइट हॉट। द हॉट फिलामेंट इमिट्स आउट रेडिएशन, जैसे गर्म होगा उसमें रेडिएशन निकलेंगी, विच आर मेड विजिबल इन बल्ब एंड द लाइटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। उसके बल्ब के अंदर हम गैस रखते हैं, गैस की आइंस रखते हैं, तो जैसे ही रेडिएशन निकलती हैं उस व्हाइट हॉट फिलामेंट के अंदर से, टंगस्टन फिलामेंट जो सेंटर में होता है, वो क्या कहता है, गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज करता है और उसमें से करंट फ्लो होता है और वो कलर शो करते हैं, तो येलो कलर की हमें लाइट दिखती है।
दूसरी काइंड ऑफ लैंप क्या है? फ्लोरेसेंट लैंप। फ्लोरेसेंट लैंप में क्या होता है? ये होती है हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है ना, उसको कहते हैं फ्लोरेसेंट लैंप। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हीटिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, इसमें लाइट ज्यादा होती है, हीट कम होती है। जो फिलामेंट लैंप है उसमें क्या होता है? लाइट कम होती है, हीट ज्यादा होती है। 30% लाइट होती है, 70% हीट होती है। इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर 10-20% हीट होती है और 80% लाइट होती है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल ही डिफरेंट है। इसके अंदर कोई बीच में टंगस्टन का फिलामेंट नहीं होता। इसके अंदर जो है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे कैथोड, एक राइट साइड पे एनोड होता है। ठीक है, तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी साइड पे जाते हैं और अंदर जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आयनाइज करते हैं और उनमें से करंट कलर आना शुरू हो जाता है। व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट होगी तो व्हाइट कलर होगा, अंदर कोटिंग हुई होती है कलर्स की। अब देखो कभी ट्यूबलाइट टूटती है तो उसकी जो है अंदर से कुछ किरसियां निकलती हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, वो कलर्ड होते हैं, ऑक्साइड्स होती हैं ना, कलर्ड ऑक्साइड्स होते हैं। जिस कलर की ट्यूबलाइट अंदर से होगी उस कलर की उसमें से लाइट निकलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप हैज नो फिलामेंट बट टू इलेक्ट्रोड्स। बाय पासिंग करंट बिटवीन दीस टू इलेक्ट्रोड्स द मर्करी वेपर्स इन द ग्लास ट्यूब इमिट्स आउट यूवी लाइट एंड दस लाइटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। आपका क्वेश्चन है तो पूछे। नो सर, क्लियर है। ओके गुड। केमिस्ट्री में किसी ने पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा। एक मिनट। पढ़ा है सर। पढ़ा है ना, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं जरा रिज्यूम करता हूँ एक मिनट में। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, थर्ड एप्लीकेशन हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स की है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में क्या होता है? द करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मोटर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उसके बिटवीन एक रोटेटरी पार्ट होता है, इसको रोटर कहते हैं मैग्नेट उसका, मोटर का। तो होता ये है कि जब भी आप करंट देते हो ना मोटर को, मोटर को करंट देने से क्या होगा कि आपके जिसको आप बेसिकली बीच में जो रोटेटरी पार्ट होता है ना उसको करंट देते हो, तो करंट की वजह से हमेशा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर में करंट दोगे ना उसमें खुद ब खुद मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो एक आपको परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ था साइड में, उसके बीच में आपने ये रोटेटरी पार्ट पे इलेक्ट्रिसिटी दी है तो उसका मैग्नेटिज्म आता है। दोनों मैग्नेटिज्म आपस में जब इंटरलिंक होते हैं तो एक दूसरे को पुश करते हैं, रिपेल करते हैं।
रिपेल करता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो रोटेटरी पार्ट होता है वो घूमना शुरू हो जाता है। तो घूमना शुरू होता है तो आपको मोटर का आउटपुट मिल जाता है, जिसे मोटर इफेक्ट कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है काम। अभी सिर्फ आपको ये बताना है कि इसका एक यूजेज ये भी है, तो करंट देने से मैग्नेटिज्म आता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसकी वजह से मोटर घूमती है। इधर हम कहते हैं करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट इज आल्सो यूज्ड टू इंटरैक्ट विद अदर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने बताया करंट क्या था, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसर और अदर मैग्नेटिक फील्ड। अदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि जो रोटेटिंग पार्ट है इस पर करंट दे रहे हैं उसके साइड्स में नॉर्थ और साउथ पोल बार मैग्नेट्स के रखे हुए होते हैं, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो प्रोड्यूस मूवमेंट्स इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड इन अप्लायंसेस लाइक फैन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, हेयर ड्रायर्स, टॉयज एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? यस सर, क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। हमने अभी तक पावर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, वर्क पावर एनर्जी के अंदर, कि पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस हिसाब से एनर्जी क्या होगी, पावर इंटू टाइम, राइट? ऐसे ही है ना। तो अब हम एनर्जी पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। हमने इससे पहले तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, वो क्या थी, मैकेनिकल एनर्जी थी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी। वी इज वोल्टेज, आई इज करंट एंड टी इज टाइम, जितनी देर के लिए वो पावर एनर्जी यूज होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट इज सप्लाइड बाय सेल और बैटरी। एक सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आएगी, बैटरी से और सेल से आएगी ना। सेल क्या करेगा, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन उनको पुश करेगा, एनर्जी देगा, वो पुश होंगे, वो फ्लो करेंगे, फ्लो करेंगे तो पर यूनिट टाइम करंट बन जाएगा, ऐसे ही होता। तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हिच इज लॉस्ट इन द गिवन रेजिस्टर इज कॉल्ड एनर्जी डिसिपेशन। देखो यहाँ दो तरह की बातें हो रही है, दो तरह की एनर्जी हम देखेंगे, एनर्जी गिवन बाय बैटरी और सेल, एनर्जी प्रोड्यूस बाय बैटरी और सेल क्या है, वो तो प्रोडक्टिव एनर्जी, टोटल एनर्जी है ना, कि भाई एक सेल आपको एनर्जी दे रहा है। अब इसमें से सर्किट के ऊपर है कि सर्किट कितनी एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कितनी एनर्जी को वेस्ट कर देता है रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, इसको इसी तरह लो एक गाड़ी का इंजन है, आपने एक्सीलेटर दबाया तो सारी एनर्जी थोड़ी इंजन गाड़ी को मूव कराने में लग जाएगी, कुछ एनर्जी रोड के फ्रिक्शन को रिमूव करने में भी लगेगी ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जब आप किसी सर्किट में वोल्टेज देते हो तो वोल्टेज जस्ट लाइक एक्सीलेटर यू प्रेस। ठीक है, वो फोर्स है, वोल्टेज भी उसी का काम करती है। वो क्या करेगी, वोल्टेज आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस को जो है सर्किट में फ्लो कराएगी, आपकी गाड़ी एक्सीलेटर क्या करता है, आपके टायर्स को रोटेट करा के गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन जितनी एनर्जी आप एक्सीलेटर से दे रहे हो वो पूरी पूरी तो गाड़ी के मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही ना, उसमें फ्रिक्शन में लॉस भी हो रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में भी ऐसे ही, जितना वोल्टेज आप दोगे वो पूरा पूरा करंट में कन्वर्ट नहीं होगा, वरना वोल्टेज इक्वल्स टू करंट हो जाता है, वी टू आई आर होता ही नहीं, वी टू आई होता ना फिर ओम्स लॉ। तो आई आर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस लॉसेस भी होते हैं, जिस तरह फ्रिक्शन के अक्रॉस लॉसेस होते हैं मैकेनिकल में, मैकेनिक्स में, इसी तरह इलेक्ट्रिक्स में जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर आपका फ्रिक्शन ही रेजिस्टर के अक्रॉस लॉसेस होते हैं। तो आप कहते हो दो तरह की एनर्जी, एक एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, यानी कि इसको रिलेट करो मैकेनिक्स से, एनर्जी गिवन बाय द इंजन ऑफ कार या एक्सीलेटर। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, एनर्जी डिसिपिएटेड अक्रॉस द रेजिस्टर, यानी कि लॉस कितनी हुई एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल 1000 जूल की एनर्जी दे रहा है आपकी बैटरी, ठीक है, और 200 जूल जो है वो लॉस हो रहा है कहाँ पे, रेजिस्टर के अक्रॉस, तो आपको यूजफुल एनर्जी कितनी मिली, 800 जूल। कोई आपको अगर पूछ ले कि इस बैटरी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 800/1000 × 100, राइट, 80%, ऐसे ही होगा ना, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हेलो, क्लियर सर। ओके, तो एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई बाय सेल इज इक्वल्स टू वी आई टी, ये टोटल एनर्जी है जो एक सेल या बैटरी दे रही है, ठीक है, इसमें लॉस नहीं हुआ अभी कुछ भी, तो टोटल है, जैसे जो इंजन की फोर्स की मैंने बात बताई वैसे। ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपिएटेड इन अ रेजिस्टर, यानी कि ये फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपिएट कितनी एनर्जी हुई हुई है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यूजफुल एनर्जी मिल जाएगी ना। ये कितनी होती है, ई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये कैसे बनी है भाई, इसका थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, थोड़ा वन नोट पे आते हैं अब हम, और फिर बताता हूँ।
अनु नजर आ रहा है? यस सर। इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिकल पावर वो है वी आई, वी इंटू आई। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कहीं लिख लो याद ध्यान के लिए, इज वी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पावर इंटू टाइम होती है, ये हमने अभी पढ़ा था शुरू में, क्योंकि पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, एनर्जी पावर इंटू टाइम होती है, ऐसे ही है। तो एनर्जी कितनी हो गई? पावर क्या है आपका? वी आई। तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? वी आई टी, जो हमने पीछे पढ़ा है अभी। इस तरह से एनर्जी वी आई टी हो गई, ऐसे ही है, सही है? ये तो समझ आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, ये पावर क्या है? ये पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी और सेल है, लेकिन पावर लॉस कैसे निकालेंगे? पावर लॉस को पीएल कहते हैं। पीएल इक्वल्स टू वी की जगह पे हमने, देखो ये वी है, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा, वी इक्वल्स टू आई आर, ऐसे ही है, यही पढ़ा है ना हमने, वी आई आर। यस, अगर हम वी की जगह पे आई आर डाल दें तो पावर की इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई स्क्वायर आर बन जाएगी। यस सर, ऐसे ही है। तो ये आपका पावर लॉस आ गया, कि पावर लॉस या पावर डिसिपिएटेड भी कहते हैं इसको, यानी कि जाया हो जाना। पी एल या पी डी दोनों कह सकते हैं इसको, पावर लॉस या पावर डिसिपिएटेड इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो अगर एग्जामिनर आपको कभी कहे कि कैलकुलेट द टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो आप ये वाली यूज करोगे, पी इक्वल्स टू वी इनटू आई। और अगर वो कहे कि कैलकुलेट द पावर लॉस इन द रेजिस्टर ऑफ 2 किलो ओम और इन द सर्किट इज प्रोड्यूसिंग 5 एम्पीयर ऑफ करंट, तो फिर आप ये वाला पावर लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? 5 एम्पीयर का स्क्वायर करेंगे, रेजिस्टर 2 किलो ओम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पावर लॉस पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है? कोई सवाल यहां तक? क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर है। ओके, ये सारा पावर का इलेक्ट्रिकल पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर इज पावर बाय द सेल पी इज इक्वल टू वी आई, पावर डिसिपेटेड रेजिस्टर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है? सब क्लियर है ना ये तो? यस सर, क्लियर। अब अगर हम इसके अंदर वी इक्वल टू आई आर की जगह, समझो ये पी इक्वल टू वी आई है ना, हमने वी की जगह पे आई आर डाला तो आई स्क्वायर आर आ गया ना। अगर हम वी की जगह आई आर ना डालें, हम आई की जगह वी अपॉन आर डाल दें, वी के बराबर में आई भी तो है, तो अगर हम ओम्स लॉ में आई को सब्जेक्ट बनाए तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा ना, ऐसे ही है, समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। देखो मैं कहता हूं भाई पी इक्वल टू वी आई, फिर आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है? तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ये पी एल जो है वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है, ऐसे ही है। दोनों फॉर्मूले वैलिड है ना, एक करंट के yes, टर्म में, एक वोल्टेज के टर्म में है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा क्या गिवन है। अगर आपको वोल्टेज और आर गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पी एल के लिए, अगर आपको करंट और आर गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर आर, ठीक है? बोथ फॉर्मूलाज आर करेक्ट फॉर पावर लॉस और पावर डिसिपेशन, इट ओनली डिपेंड्स व्हाट यू हैव बीन गिवन इन द डेटा, ओके? ठीक है, ओके सर। अब हम बात करते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होते हैं? फ्यूज के बारे में सुना है किसी ने कभी? कभी नाम सुना है फ्यूज का? यस सर, सुना है। क्या होता है? सर बल्ब के अंदर होता है। करता क्या? सर लाइट जलाता है, करंट पास करता है शायद। चलो देखो, चलो बताता हूँ यार। फ्यूज पता है क्या? फ्यूज है ना, एक समझो एक तरह से चौकीदार का काम करता है आपके सर्किट के अंदर। आप घर पे चौकीदार या गार्ड क्यों रखते हो? ताकि आपका घर बच जाए चोरी होने से। कोई डकैत आया तो वो चौकीदार के साथ फाइटिंग करके, लड़ाई झगड़ा करके निकल जाए, ठीक है? या चौकीदार उसको भगा दे या वो चौकीदार को मार दे, लेकिन आपका घर बच जाएगा। इसी तरह का काम फ्यूज करता है आपके सर्किट में।
आपके सर्किट को जलने से बचाता है, आग लगने से बचाता है, क्योंकि सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है आपके घर के। तो आप क्या करते हो, आप अपने सर्किट की लाइव वायर यानी जो इसको जिस पे करंट आ रहा होता है उससे पहले एक फ्यूज लगा देते हो। फ्यूज लगाने से क्या होता है, अगर करंट जैसे फॉर एग्जाम्पल वायर के अंदर 5 एम्पेयर करंट जाना चाहिए, जाने से कहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ 10 एम्पेयर आ गया, तो 10 एम्पेयर आएगा तो आपका वायर तो उस हिसाब से डिजाइन नहीं है, वो 10 एम्पेयर में तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट जब ही होता है ना जब ज्यादा करंट गुजर जाए, ठीक है, रिक्वायर्ड करंट ज्यादा करंट गुजर जाए, रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट ज्यादा गुजर जाता है तो वो शॉर्ट हो जाता है सर्किट। तो उस केस में आप फ्यूज लगाते हैं पहले ताकि आपके डिवाइसेस बच जाएं, घर के वायर बच जाएं। फ्यूज आप लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 5 एम्पेयर का वायर है, मैक्सिमम 6 एम्पेयर तक देर कर सकते हैं, तो आप 6 एम्पेयर का फ्यूज लगा देते हैं ताकि वो फ्यूज जल जाए, आपके घर की सर्किट ना जले। सही है, समझ रहे? तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस है बेसिकली। है आपने कभी फ्यूज को देखा? अब तो खैर फ्यूज नहीं आता, फ्यूज की एक्सटेंडेड फॉर्म आती है जिसे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। आपके घर के अंदर आपने देखा होगा एक इस तरह की एक विंडो टाइप बनी हुई होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ब्रेकर्स लगे होते हैं, कभी ज्यादा करंट आता है तो वो ट्रिप हो जाते हैं, समझो ऐसे। विंडो लगी हुई है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एक लाइन है, फिर यहाँ पर जो है वो ऐसे करके वो लगे होते हैं, जम्पर्स लगे होते हैं घर के अंदर। यहाँ पर एक राउंड सा रोटेटरी वो होता है, चेंज ओवर स्विच होता है, सो 1 2 3 4 लिखा होता है, लाइट जाती है जनरेटर पर ट्रांसफर करने के, उसको घुमा देते हैं, और यहाँ पर सारे हमारे वो ब्रेकर्स होते हैं। देखा है इस तरह से घर में एक पूरी विंडो बनी होती है, सबके घर में होगा ना ये तो। हेलो, किसने जी सर, नहीं देखा, यस सबने देखा है मेरे ख्याल से। यस सर। ओके मुझे आपने देखा है, नो सर। घर में नहीं देखा, घर में कहीं पे इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं लगा हुआ? एक तो रूम के अंदर स्विचेस लगे होते हैं, ठीक है, रुको तो मैं इसकी पिक्चर इमेज दिखाता हूँ तो और अच्छे से नजर आएगा, इंटरनेट से निकालता हूँ। कि देखिए नजर आ रहा है, इस तरह से बॉक्स होते हैं घर में, ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, 1 मिनट होल्ड करो। ये देखो ये थोड़ा बड़ा है ना, हमारे घरों में इसका आधा होता है, इस तरह से स्विच ओवर लगे होते हैं, इस तरह से यहाँ ब्रेकर्स लगे होते हैं, पूरी सीरीज लगी होती है ब्रेकर्स की। देखा है, उसने याद आ रहा है जी सर, ये जो जनरेटर सर। देखा था ना, बताओ। ठीक है, ये क्या होता है, कभी कहते हैं ना कि लाइट ज्यादा कोई जोर से घर में कहीं स्पार्क होता है तो इसका एक यूनिट गिर जाता है, ट्रिप हो जाता है, हम जाके ऑन कर देते हैं उसको दोबारा, ऐसे ही है ना। सर अभी अभी हुआ था मेरे साथ हमारे। देखो ये होते हैं ब्रेकर्स, हम फ्यूज की बात करें, फ्यूज इसके पुराना वर्जन है। फ्यूज क्या होता था, फ्यूज जल जाते थे, उन पर करंट आता था ना, ये जलते नहीं है, गिर जाते हैं सिर्फ, तो ये क्या होता है, फ्यूज जल जाता है तो बार बार यूज करते। देखो इस तरह के होते हैं फ्यूज, ये आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं, पुराने जमाने में होते थे, आपने शायद अपने बचपन में कभी देखे हो, तो हमारे बचपन में पहले होते थे, अब खत्म हो गए यूज होना ना। ये उस वेकल के पे ये होता, देखो ये है ना, ये असेंबली देख रहे हो, ब्राउन कलर की ऐसी बेज कलर की, इसके अंदर ये एक वो लगा हुआ है ऊपर नीचे मेटल का प्लग, सही है, ये इसके अंदर घुस जाता है, इसको हाथ से इसमें डालते हैं घुस जाता है। अब ये फ्यूज जो है ना, इसको यहाँ से थोड़ा बारीकी से देखो, यहाँ पर इसके अंदर एक मेटल वायर लगा होता है बीच में यहाँ पर। ये मेटल वायर क्या करता है, जैसे एक्सेस करंट जाता है ना, मेटल वायर जल जाता है, ये मेल्ट होके टूट जाता है, टूट जाता है तो कनेक्शन टूट जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो करंट आगे जाता ही नहीं है, ठीक है, यानी फ्यूज खुद को जला देता है
पर सर्किट में आगे करंट को नहीं जाने देता, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जब कभी ऐसा होता था तो हम घर में फ्यूज रखते थे स्पेयर में, जैसे ही जल जाता था नया फ्यूज लगा देते थे, क्योंकि जाहिर है ये तो खराब हो गया। अब क्या होता है फ्यूज की जगह ये आ गए ब्रेकर, जैसे ही ये नीचे गिरते हैं हम इसको ऊपर कर देते हैं, सही हो जाता है, सही है। फिर फ्यूज के अलग अलग टाइप है, छोटे फ्यूज इस तरह भी होते हैं ग्लास में आते हैं, फिर एक गाड़ियों के फ्यूज होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, सारे फ्यूज के टाइप्स है। हमारे घर में ये वाले लगते थे तो इसको हमको ये याद है, बाकी अलग अलग किस्म के फ्यूज होते हैं रेटिंग के हिसाब से, ठीक है। समझ में आ गया, फ्यूज फ्यूज का काम है आपके सर्किट को बचाना, खुद को जलाना और आपको बचाना। इट इज मेड अप ऑफ थिन मेटल वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि फिर क्या होता है कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना तो जल्दी जल जाएगा, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो क्या करेगा ये आपके घर के वायर्स को जला देगा, खुद नहीं जलेगा, सही है। इफ देयर इज एक्सेस करंट फ्यूज वायर मेल्ट्स ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट कटिंग ऑफ करंट टू द अप्लायंसेस। देखो जो मैंने बात की थी कि ज्यादा करंट गुजर रहा होगा तो ये क्या करेगा खुद जल जाएगा और आगे जो है वो सर्किट में करंट नहीं जाने देगा, ताकि आगे अप्लायंसेस एसी टीवी फ्रिज सब बच जाए, वरना उनमें करंट चला जाएगा तो उनमें आग लग जाएगी, वो कहते हैं ना उड़ गया, उसका मतलब यही होता है हाई करंट होता है तो उड़ता है, लो करंट तो नहीं उड़ता ना। फ्यूज इज प्लेस इन लाइव वायर सो दैट द अप्लायंसेस विल नॉट बिकम लाइव आफ्टर द फ्यूज हैज ब्लोन। क्यों होता है लाइव वायर में, क्योंकि अगर फ्यूज ब्लो हो जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा तो फ्यूज, जैसे फ्यूज ब्लो हो रहा है वैसे अप्लायंसेस ब्लो हो सकते थे अगर हम फ्यूज ना लगाते तो इसलिए हम क्या करते हैं प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगाते हैं, वो ब्लो हो जाए क्योंकि वो तो सस्ते होते हैं, बाकी अप्लायंसेस महंगी होती हैं, डेंजरस भी होती हैं, घर के अंदर होती हैं, तो वो ब्लो ना हो। The fuse ratings is slightly higher than the current drawn by an appliance. क्यों? देखो fuse आपका appliance 5 ampere पे चलता है, example ले रहा हूँ मैं, आपके घर में एक जो है मोटर है वो 5 ampere पे चल रही है, तो आप 5 ampere का fuse लगाओगे तो वो मोटर कभी चल ही नहीं पाएगी, हर बार वो बंद करा देगी fuse जला देगी, तो आप थोड़ा सा higher rating का लगाते नहीं, 5 ampere का है तो आप 6 ampere का लगा लो ब्रेकर, ठीक है, क्या कहते हैं ब्रेकर बोल रहा हूँ फ्यूज लगा लो, ताकि 5 ampere तक तो मोटर चल रही है ना, 5 से 6 हो तो ज्यादा करंट है तो जल सकती है, तो इसलिए वो फ्यूज जला देगी मोटर ना जलाए, ठीक है। सेम रेटिंग अगर भी नहीं लगाते वो चलने ही नहीं देगी, जैसे ही स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग करंट ही उसका 5 ampere है, उस पर फ्यूज जल जाएगा तो फायदा क्या। फ्यूजेस आर नॉर्मली रेटेड एज 1 ampere 2 ampere 5 ampere 10 ampere 13 ampere एंड 30 ampere। ज्यादातर इस तरह की जो है वैल्यूज के हिसाब से फ्यूज बनते हैं, यार ऐसा नहीं हो सकता है 1.2 एम्पीयर का 2.6 एम्पीयर का ऐसा फ्यूज बने, वरना फिर हजारों फ्यूज बनाने पड़ेंगे, तो कंपनीज जो है वो कुछ फिक्स कैटेगरी में फ्यूज बनाती है और उसका चार्ट दे देती है, तो फिर इसी हिसाब से जो अप्लायंसेज होती है ना जैसे फ्रिज बनाने वाले मोटर बनाने वाले वो सब भी फिर इन फ्यूज की रेटिंग के हिसाब से अपनी डिवाइसेज बनाते हैं, ताकि वो घर में लग भी सके ना आराम से, सही है। इसके बाद हमारे पास है लाइव न्यूट्रल अर्थ वायर। लाइव न्यूट्रल अर्थ वायर क्या होते हैं, आपके घर के अंदर सर्किट आ रहा होता है उसके अंदर 3 plugs होते हैं, कभी देखा होगा 3 plug बोर्ड होता है ना, तो जिसको 3-pin plug भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है 3 बोर्ड होते हैं, एक ऊपर सिंगल वो होता है होल, उसके नीचे 2 होल होते हैं साथ साथ, तो जो 2 होल होते हैं ना उसमें एक में फेज आता है, फेज का मतलब करंट, दूसरे में न्यूट्रल आता है, न्यूट्रल मतलब रिटर्न पाथ ऑफ करंट, और जो ऊपर सिंगल होता है 3 में वो होता है अर्थ का वायर। वो अर्थ का वायर क्यों लगाते हैं वहां पर, अर्थ का होल क्यों होता है, क्योंकि अर्थ हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी भी एक्सेस करंट आ जाए ना हमारे किसी सर्किट में, या तो किसी सर्किट से लीकेज करंट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल लीक हो रहा है कहीं से करंट डिवाइस की केसिंग पे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रिज के कोने में भी कभी हाथ लगाते हैं तो मेटल बॉडी पे करंट आ रहा होता है, तो वो करंट हमें ज्यादा ना लगे, इंसान से ना पास हो, हम बच जाए, इसलिए हम अर्थ का वायर लगाते हैं, घर में अर्थिंग करवाते हैं। अर्थिंग का सुना हो आप लोगों ने, जब बिल्डिंग्स बन रही होती है तो उसके अंदर नीचे डिगिंग करवाते हैं, पूरा जमीन के अंदर 40-50 feet तक डिग करते हैं, अंदर कोल डालते हैं, अर्थिंग पिट बनाते हैं, फिर वहां से अर्थ का वायर निकालते हैं। अर्थ क्या होता है, अर्थ इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो आप उसकी रेजिस्टेंस 0 के करीब रखते हो, हमारा पर्पस ये होता है कि वी मेक इट्स रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 ohm, हाउएवर वी कैन नॉट अचीव 0 ohm क्योंकि 0 ohm एक आइडियल नंबर है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम 0 से करीब करीब रखें, 0.1 0.2 ohm ऐसे, क्यों, क्योंकि जब रेजिस्टेंस जिस जगह की कम होगी उससे सारा ज्यादा मैक्सिमम करंट वहां से गुजर जाएगा, तो क्या होगा हमारे सर्किट में से कभी भी लीकेज करंट होगा ना तो अर्थ के वायर से गुजर जाएगा। हमें उन घरों में उन जगहों पे अर्थ वो लगता है करंट लीकेज करंट जहां पर अर्थिंग सही नहीं हुई होती। आप देखो पहले जमाने में जो ये होता था कि अर्थिंग प्रॉपर किया जाता, अभी काफी बिल्डिंग्स में नहीं होती, तो जहां पर कभी मोटर से या फ्रिज के कॉर्नर से और आपको अर्थ लग रहा है इसका मतलब आपकी बिल्डिंग में अर्थिंग सही नहीं हुई हुई, या तो आपके फ्रिज के पीछे का जो प्लग है वो 3-pin plug नहीं है, फिर वो आपने 2-pin लगाया हुआ उसमें आपने जो है अर्थ का वायर लगाया ही नहीं है,
ठीक है, तो अर्थ लगाना बहुत जरूरी है ताकि लीकेज करंट जो है वो इंसान को ना लगे, वो अर्थ वायर से गुजर जाए, क्योंकि इंसान की रेजिस्टेंस अर्थ से ज्यादा होती है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उससे करंट कम गुजरेगा। तो आप अर्थ की रेजिस्टेंस मिनिमम कर देते हो, इक्वल टू जीरो या नियरली इक्वल टू जीरो कर देते हो, तो उससे क्या होता है सारा करंट अर्थ में से गुजर जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं लाइव वायर क्या होता है। द लाइव वायर थ्रू विच करंट एंटर्स इनटू द अप्लायंस। लाइव वायर कहाँ होता है, जहां से करंट आता है आपके घर में, आपके डिवाइस के अंदर, तो उसमें हाई वो लाइव वायर में करंट होता है, उसको हाथ नहीं लगा सकते, उससे आपको फिर शॉक लग जाएगा। द लाइव वायर इज एट हाई वोल्टेज, प्लस वाले वोल्टेज पे होता है ना। कलर कोडिंग फॉर लाइव वायर इज ब्राउन। अब तो खैर हर जगह अपनी अपनी कोडिंग होती है, ये तो खैर कैम्ब्रिज के हिसाब से कलर कोडिंग वहाँ ब्राउन है, हमारे कंट्री में ज्यादातर रेड या मरून कलर का वायर जो होता है ना वो लाइव वायर कहलाता है। ठीक है, तो आपको ब्राउन ही याद। सेकेंडली न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या होता है, जिससे करंट वापस आता है। हमारे घर में भी आपने देखा होगा हर डिवाइस में कम से कम दो करंट दो तार जाते हैं, एक से करंट जाता है एक से करंट वापसी आता है, तो न्यूट्रल पर करंट नहीं होता क्योंकि सारी एनर्जी यूज हो चुकी होती है इक्विपमेंट से, तो जो डेड चार्जेस बचते हैं वो वापस आ जाते हैं न्यूट्रल से। वायर थ्रू विच करंट लीव्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। द न्यूट्रल वायर इज एट जीरो वोल्ट, कलर कोडिंग इज ब्लू। ठीक है, न्यूट्रल की कलर कोडिंग क्या होती है, ब्लू होती है। देखो इसकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन और फर्दर कर दूं, आप लोग शायद सर्किट को विजुलाइज कर पा रहे हो, नहीं मुझे नहीं पता। अगर देखो मैंने यहाँ सर्किट बनाया, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने एक बैटरी लगाई, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर लगाया, बैटरी का वोल्टेज है वी वी प्लस माइनस एस। ठीक है, तो प्लस का मतलब है हायर वोल्टेज, माइनस का मतलब लोअर। यहाँ से करंट जाएगा, ये लाइव वायर है। ठीक है, यहाँ से वापसी आ जाएगा, ये न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल को आप पकड़ लो आपको करंट नहीं लगेगा, न्यूट्रल पे डेड चार्जेस होते हैं, लाइव को पकड़ोगे करंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो होता है जिसका छोटा सिंबल होता है, इसकी प्लेट बड़ी होती है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव की प्लेट बड़ी इसकी, पॉजिटिव का वोल्टेज ज्यादा है, प्लस में है, इसका नेगेटिव में है, माइनस में है। ठीक है, तो ये जीरो वोल्ट पे होता है, ये न्यूट्रल होता है और वो लाइव होता है। सही, अर्थ वायर। द वायर विच कनेक्ट्स द मेटल केसिंग ऑफ एन अप्लायंस टू अर्थ। जैसे मैंने कहा था कि मेटल केसिंग कोई भी अप्लायंस होगा उसके ऊपर, केसिंग के ऊपर से करंट आ रहा होगा तो अर्थ हो जाएगा। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट द एक्सेसिव करंट लीव्स द अप्लायंस फॉर अर्थ थ्रू दिस वायर। कोई शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है शॉर्ट सर्किट में, तो वो करंट आपसे नहीं गुजरेगा, वो करंट इस अर्थ वायर से गुजर जाएगा, तो सेव कर लेगा बाकी सारी चीजों को। द एक्सेसिव करंट दस मेल्ट द फ्यूज cutting off further supply to the appliances. The earth wire is almost at zero volt. Color coding of earth wire is green or yellow. सही है, यहाँ पे आपका सर्किट बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट में क्या हुआ, या घर है आपका, फॉर एग्जाम्पल समझो घर है, घर पे क्या हुआ, घर पे ये क्या इलेक्ट्रिक के मीटर में आपकी लाइव वायर आ रही है, एक न्यूट्रल वायर आ रही है। ठीक है, लाइव वायर पे आपने यहाँ पे बीच में फ्यूज लगा दिया ताकि अगर कोई भी एक्सेस करंट जाए तो फ्यूज में गुजरे, फ्यूज जल जाए, पूरे घर बच जाए। सही है, अगर ये फ्यूज यहाँ नहीं होगा तो सारा करंट कहाँ चला जाएगा, घर के अंदर चला जाएगा, घर में आग लग सकती है। यह इलेक्ट्रिक मीटर होता है जिसमें रिकॉर्ड होता है कितनी यूनिट है। लाइव वायर आपका ऊपर से जाएगा, न्यूट्रल वायर आपका नीचे से जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल में करंट वापस आता है ना, तो ये कलेक्ट करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। लाइव वायर से करंट गया, पैरेलल कनेक्शन लगे हुए, तीन बल्ब लगे हुए हैं, इनके साथ स्विच लगे हुए हैं तीनों के साथ। ठीक है, यहाँ करंट जाएगा, यहाँ स्विच लगा हुआ होगा तो करंट चला जाएगा वरना नहीं जाएगा, यहाँ करंट जाएगा, स्विच बंद हुआ होगा तो करंट चला जाएगा ना नहीं जाएगा, यहाँ पर स्विच बंद होगा तो करंट चला जाएगा ना नहीं जाएगा। ठीक है, तीनों केसेस में बल्ब ऑफ हो जाएगा, अगर स्विच ओपन है तो बल्ब ऑफ है, स्विच क्लोज है तो बल्ब लाइट है ऑन है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, नो सर। ओके, मेन फीचर्स ऑफ हाउस सर्किट आर, हाउस सर्किट के फीचर्स क्या क्या है भाई, घर में सर्किट में, घर के सर्किट में क्या क्या होता है। द स्विचेस आर प्लेस इन द लाइव वायर फॉर कंप्लीटिंग और ब्रेकिंग अ सर्किट। ठीक है, क्यों लाइव वायर पे क्यों स्विच है, कि भाई इसी से करंट आएगा ना, तो यहीं पे स्विच लगाना पड़ेगा ना, यहाँ से स्विच लगाएंगे तो क्या फायदा, करंट तो गुजर चुका होगा इसमें से। ठीक है, इफ द स्विचेस प्लेस इन न्यूट्रल वायर द अप्लायंसेस विल बी लाइव इवन द स्विचेस ऑफ। भाई यहाँ स्विच ऑफ भी है तो आपके तो अप्लायंस में तो करंट गुजर गया। ठीक है, the fuses are also placed in live wire, the fuses are also placed in live wire to cut off excessive current before it damages the appliance. fuse jo hai wo inko bhi live wire mein rakhte hain, kyun, taki excessive current andar na chala jaye, appliances pe na chala jaye. theek hai, main restart kar raha hu session ko, ye 1 minute se kam reh gaya, kabhi bhi kat sakta hai. theek hai,
दोबारा से ज्वाइन करते हैं। ओके okay.